सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो कि 22 और 23 के सेशन के लिए और CBSE स्टूडेंट्स के लिए है। तो इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की और एक IED इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इसके अंडर जो यूनिट्स आ रही हैं मैक्रो के अंडर, उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहली यूनिट है हमारी नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम हमारा 10 मार्क्स का आ रहा है, और गाइज ये बहुत ज़्यादा हार्ड यूनिट नहीं है जितना, जैसे कि आप लोग बच्चों से अगर सुनते होगे या फिर कोई सीनियर्स भी आप लोगों को बताते होंगे तो यही बोलते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड यूनिट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी रिफ्रेशर से पढ़ रहे हो, मैंने आप लोगों को बताया था एक रिफ्रेशर संदीप गर्ग की है और जो सेकेंड है वो TR जैन की है, ये ऑथर्स हैं। इन दोनों में से कोई भी बुक आप लोग जिससे भी आप लोग रेफ़र कर रहे हो पढ़ने के लिए, उसमें अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, डायरेक्ट नेशनल इनकम मत पढ़ने लग जाना। उससे जो पहले 2-3 चैप्टर्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो ज़रूर पढ़ना। फिर आप लोग देखना कि आप लोगों को नेशनल इनकम बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अच्छी यूनिट है। इसमें 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है और जो कि आराम से हो जाता है अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, जो है हमारी मनी एंड बैंकिंग की। ये आप लोगों की 6 मार्क्स की आ रही है। थर्ड यूनिट है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम ADES वाली यूनिट भी बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज की यूनिट है, 12 मार्क्स की आ रही है। इसके बाद हमारी नेशनल इनकम आती है और बाकी तीनों जो हैं वो एक इक्वल ही हैं 6-6 मार्क्स की। फोर्थ जो हमारी यूनिट है वो है गवर्नमेंट बजट एंड इकनॉमी, ये भी 6 मार्क्स की है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP, वो भी 6 मार्क्स की है। तो ऐसे कर आप लोगों का सिलेबस डिवाइडेड है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने लिख दिया है और यूनिट्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी बताते जाऊंगी किसके अंडर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी IED की, जो हमारी सेकेंड बुक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरी बुक है थ्योरी बेस्ड बुक है, इसमें लर्निंग का सारा पोर्शन है, मतलब समझने वाला जो है। आप एक बार बस जब स्टार्टिंग वाली रीडिंग दोगे सबसे फर्स्ट, उसमें आप लोगों को 2-4 चीज़ें समझनी होगी, वरना इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ जो भी है वो सारी लर्निंग की है। तो उसी हिसाब से आप लोग पढ़ना कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को चीज़ें याद हों। इसमें सारा डाटा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 एंड टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो सबसे पहले तो हम लोग इस वाली यूनिट के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि 1947 के अंदर जो हमारा डेवलपमेंट था इकनॉमी का वो कैसा था, लाइक हैंडीक्राफ्ट की क्या हालत थी जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए थे, मतलब इंडिया को छोड़कर गए थे, तो एग्रीकल्चर की क्या हालत थी, वही सब आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद इकनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में आप लोग LPG पढ़ोगे, अगर आप लोगों को याद है तो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों यूनिट्स को आप लोग अच्छे से डेप्थ में पढ़ोगे इस वाली यूनिट के अंदर, ये चैप्टर्स हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, वो है करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ये 20 मार्क्स की यूनिट है और ये 12 मार्क्स की थी, मतलब इसमें हाईएस्ट वेटेज वाली जो यूनिट है वो यही है 20 मार्क्स की। इसमें आप लोग करंट चैलेंजेस देखोगे, कौन क्या चैलेंजेस है जो इंडियन इकोनॉमी अभी फेस कर रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ऐसी 2-4 यूनिट्स और हैं, चैप्टर्स और हैं, वो आप लोगों को पढ़ने होंगे इसके अंडर में। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है आप लोगों की वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। इसके अंदर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखोगे, चैप्टर है इसके अंडर ये, और आप लोग कंपैरिजन करोगे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो यही सब है ये यूनिट, आप ये जो IED की यूनिट्स है ये सारी आप लोगों की इस तरीके से डिवाइडेड है। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख रखा है, एंड आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।